एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को जन्माष्टमी की खूब सारी शुभेच्छा। और आई होप आपके सभी के जो भी ड्रीम्स हैं, विशेज़ हैं, वो सारी की सारी पूरी हो जाए। दिल से ये विश करूँगी आप सब के लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। और बस मैं नहा के आई हूँ और आज थोड़ा सा लेट नहीं हूँ, मतलब लंच के बाद नहीं हूँ। और चलिए मैं आपको बताती हूँ बाहर का नज़ारा क्या है। ये देखिए मौसम बहुत बहुत अच्छा है और आप देख सकते। और आज है जन्माष्टमी और जैसे कि आपको पता है सारे एरिया में ऐसे दही हंडी लगी होती है और वहाँ पर वो जो इवेंट देखने का जो मज़ा होता है दही हंडी का, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आज हम लोग भी शाम को जाने वाले हैं, तो देखते हैं। थोड़ा सा मैं काम फिनिश कर लूँ अपना, क्योंकि किचन में बहुत, क्योंकि लंच हो गया और उसके बाद का ये जो काम है जैसे कि आप देख रहे हो पूरा मेस है किचन। मुझे ये जो रैक के जो क्या बोलते हैं बर्तन है, रैक में के बर्तन वो लगाने हैं और ये वाले जो बर्तन है सिंक के वो साफ़ करने हैं और उसके बाद ये मुझे थोड़ा सा क्लीन करना है जो लंच हुआ था उसके बाद का। और उसके बाद हम जाएंगे नीचे सभी लोग दही हंडी देखने विद फैमिली। तो आपको भी दिखाऊंगी मैं कैसी होती दही हंडी यहाँ की, स्पेशली महाराष्ट्र की। आई डोंट नो बाकी के स्टेट्स में होती है क्या नहीं होती है, मुझे पता नहीं। अगर आप कोई देख रहे हो आउट ऑफ महाराष्ट्र, अगर आपके भी स्टेट में होती है दही हंडी तो आप प्लीज़ मुझे बताना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ की कैसी होती है महाराष्ट्र की। और पिछले 2 साल से तो बिल्कुल भी कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ हो नहीं पाया था, तो इस साल थोड़ा सा ग्रैंड होने वाला है। तो मैं अपना थोड़ा सा काम जो है वो फिनिश कर देती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। आपको बताती हूँ मैं कैसे कैसे बर्तन घसती हूँ। कितनी स्टूपिड से बात है, मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे मैं बर्तन घसने वाली हूँ, बट मैं क्या करूँ, ब्लॉगिंग में यही सब तो होता है ना। मतलब जितना मैंने ब्लॉगिंग देखा है, और ये देखिए मुझे यहाँ ये रूम की भी थोड़ी सफाई करनी, तो लैडर मैंने वहाँ रख दी। तो हाँ मैं क्या बोलती, हाँ जितना मैंने ब्लॉगिंग वगैरह देखा है तो उसमें तो जो आपकी लाइफ का जो भी होता है दिनचर्या वही बताना होता है, उससे अलग तो आप कुछ नहीं बता सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर काम।
बहुत ऊपर यार।